आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत आज राजधानी लखनऊ में पहुंचे हुए थे। वहीं इस दौरान प्राइम टीवी पर बात करते हुए राकेश टिकैत ने बताया कि इस बार किसानों ने एक अलग ही तरह की रणनीति बनाई है, उसको जो ठीक लगेगा उसी राजनीतिक दल को उत्तर प्रदेश में वोट करने के लिए अपील करेंगे। मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ इसलिए आया हूं कि लखीमपुर में किसानों के साथ सरकार ने जो वायदे किए थे उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए। अभी तक मृतक परिवारों को ना तो मुआवजा मिला है और ना ही सरकारी नौकरियां। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव है और चुनाव को देखते हुए जो राजनीतिक दल है वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसानों को मनाया जाए। उत्तर प्रदेश का जो पश्चिम है वो किसानों के लिए सबसे अहम है, क्योंकि किसान आंदोलन जो हुआ था वो पश्चिम के किसान बड़ी भूमिका उसमें निभाते हुए नजर आए थे, और उसके अलावा उत्तर प्रदेश के भी किसानों ने वहां पर एक बड़ी भूमिका निभाई थी। और पश्चिम के किसानों के साथ साथ पश्चिम के जाट को मनाने के लिए बीजेपी और गृह मंत्री अमित शाह लगातार अब पश्चिम में बने हुए हैं। इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राकेश टिकैत साहब। सर, आप लोगों की तरफ से किसान आंदोलन हुआ, लेकिन अब पश्चिम को मनाने के लिए, पश्चिम के किसान को मनाने के लिए, पश्चिम बेल्ट में अपनी जगह बनाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह खुद वहां पर मौजूद हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? और सबसे अहम बात यह है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आप आए हैं, क्या किसी से मुलाकात है, कोई राजनीतिक समीकरण बनाने के लिए आए हैं, कुछ ऐसा गठजोड़ तैयार किया जा रहा है कि किसानों के हित के लिए कोई काम या बात करी जाए किसी राजनीतिक दल से? भाई, उत्तर प्रदेश में चुनाव पहले, उसमें तो सरकार को जाना चाहिए, और सरकार सड़क मार्ग सजा, और 6 महीने पहले से अगर जाती तो कम से कम सड़क ठीक हो जाती, स्कूल में जाते तो स्कूल ठीक होते, अस्पताल ठीक हो जाते। अब ये हवाई मार्ग से जा रहे हैं, अब क्या करेंगे ये जाके? रहा ये कि 13 महीने किसान दिल्ली में आंदोलन पर बैठा रहा, सरकार हमको तो मिली नहीं कहीं। 13 महीने से किसान को नहीं मिली सरकार। हाँ, यहाँ पे हम आए लखनऊ में, यहाँ पे लखीमपुर खीरी वाले मामले में अधिकारियों से बातचीत होगी अभी 1 बजे, हाँ, कमिश्नर के यहाँ पे, तो उसमें अधिकारी आएंगे, जो जो समझौते में थे वे अधिकारी आएंगे, तो उनसे बातचीत करेंगे। एक डेलीगेशन पूरा लखीमपुर से आ रहा है, हम लोग जाएंगे तो 7-8 लोग वहाँ पर जाएंगे। क्या किसी राजनीतिक दल से भी इधर मुलाकात आपकी होनी है? उत्तर प्रदेश का चुनाव है और कहा जा रहा है कि हम राजनीति वालों से दूर रहे हैं। हाँ, राजनीति वालों से हम दूर रहे हैं। बीजेपी तो कह रही है कि आपसे पुराने नाते हैं, आपको फिर से हम वापस। हमारे तो सबसे है रिश्ते, हमारे तो हाँ सारे यहीं तो रहने वाले हैं, यहाँ ही एक परेट में कहीं रहे हैं, इसी में बिल्डिंग में सारे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की रणनीति क्या है आगे की? जनता गैस का सिलेंडर 400 रुपये में 1000 रुपये में भरवा रही, तो अपने आप वोट दे देगी जिसको देना होगा। वो ईंधन का जुगाड़, रोटी कैसे बनेगी उसका जुगाड़ करके वो लकड़ी बीनती फिरती है महिलाएं। पशु पालने वाली जो लेडीज हैं जिनके पास में जमीन नहीं है, अपने पशुओं को कैसे पालती हैं और दूध क्या रेट में जाता है, तो दे लेंगी वोट जिसको देनी होगी। रोजगार का क्या साधन है, महंगाई कहाँ है, तो दे लेंगे जिसको वोट जहाँ देनी। हम तो वोट वाले मामले से दूर हैं। ये तो बात जनता की होगी, मैं बात किसानों की करूँगी, क्योंकि किसान अपने फसल को आधे रेट में बेच कर जहाँ वोट देना चाहगा दे लगा। आप बात घुमा रहे, बता आप बात घुमा रहे, हम बात घुमा रहे भाई, आधे रेट में फसल बेच के और उसको जहाँ वोट देनी होगी दे लगाओ। वोट के मामले से दूर हैं हम, मतलब किसी को भी किसी तरह से कोई सपोर्ट चाहे आगे से हो चाहे, तो अपनी फसल को आधे रेट में बेच के जहाँ उसको वोट देनी वो दे लो। अभी अखिलेश यादव कुछ दिनों पहले लखीमपुर मामले में जो किसान घायल हुए थे उनके साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और कह रहे थे कि हम इंसाफ दिलाएंगे सरकार में। हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उन्होंने, सरकार भी कर रही, आज भी सरकार के लोगों से आज बातचीत है। आज मान मनोबल का खेल जो है वो चल रहा है दोनों तरफ। देखिए, वहाँ पे जो घायल हुए थे, एक तो उनका मामला है, एक जो नौकरियाँ उनको देनी थी उसका मामला है, ये बहुत से मामले अभी रह रहे हैं जो समझौते में हैं। ये आपको भी मनाने की कोशिश करी गई किसी? हमें कोई नहीं मना रहा, हमें कौन मना रहा, हम तो सरकार की तलाश कर रहे हैं, दिल्ली सरकार की पिछले 1 साल से तलाश कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार है कहाँ, हमें मनाने की कहाँ जरूरत है, हम ही सरकार के पास में जाल लग रहे, सरकार है कहाँ, सरकार हमारे से मिलती नहीं, और से मिले किसी से? मिलना शुरू कर दिया, नहीं मिल रहे,
हमने 15 दिन पहले भी उनको मैसेज दिया, हम मिलना चाहते हैं। जो MSP का सवाल है, एक कमेटी बनाने की बात करी थी, हम मिलना चाहते हैं, तो सरकार हमारे से तो कहीं मिली नहीं भाई, ना हमको मिली, कहाँ है। हाँ कहीं मिले भाई, प्रेस वालों को मिल सके, चुनाव है तो बताइयो के याद कर रहे थे किसान, जो दिल्ली आंदोलन में थे वे किसान याद कर रहे थे, तो हम जरूर मिलना चाहते हैं भारत सरकार से। कहते हैं कि किसान ही नहीं थे हमेशा से, उन्होंने इस बात को कहा। तो हम हो रहे क्या है भाई, हमें बता दो हम क्या है फिर। हाँ हमें बता दो क्या है। बात करने के लिए तो ये थे राकेश टिकैत, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव तो है और चुनाव को देखते हुए जो रणनीतियां हैं वो भी तय करी जा रही हैं, लेकिन इसके अलावा जनता अपने मुद्दे जानती है, किसान अपने मुद्दे जानते हैं और उसी मुद्दे पर भी वोट देंगे और वही बेहतर भी होगा। हालांकि किसी भी राजनीतिक दल को सपोर्ट करने की बात इन्होंने नहीं कही है। इन्होंने ये कहा है कि मैं लखीमपुर मामले को लेकर के यहाँ पर आया हूँ और उच्च अधिकारियों से मुलाकात करूंगा ताकि जो लखीमपुर में पीड़ित थे उनको इंसाफ मिल सके। लखनऊ से कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं नितिन, प्राइम टीवी। और इसी के साथ हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।